अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मनेंद्र जी जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, जिसका जलवा कायम है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जोर से बोलिए, जोर से, जोश के साथ, अखिलेश यादव। मुट्ठी बंद करके हाथ उठाकर जो जब आपके पास आए आपके महबूब नेता तो फिर दिखना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब वो आए जब और जोर से करना। अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद, डॉक्टर मान सिंह यादव जिंदाबाद, मतेश चंद सोनकर जिंदाबाद, राम सजीवन निर्मल जिंदाबाद, कला चंद केसरवानी जिंदाबाद, मौला बख्त चेयरमैन जिंदाबाद, अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद। अब मैं मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, यूपी की धरती जिंदाबाद, 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 यूपी का शहर जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव पल्लवी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव इंद्रजीत सरोज जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय एसआरपी लाल शास्त्री जी चाहूंगा कि आए और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करें। आदरणीय एसआरपी लाल शास्त्री जी, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी आ गए हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि सातवें चरण के चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेगा और फिराथू को लोगों ने उसकी शुरुआत आज यहीं से कर दिया है और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, सोनीलाल पटेल अमर रहे, सोनीलाल पटेल।
पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 स्वराजी पार्टी जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 सोनलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जोर से बोलिए, सोनलाल पटेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामन लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, हेलो हेलो हेलो, अखिलेश पटेल जिंदाबाद, हेलो हेलो हेलो, साथियों अब हम लोगों के महबूब नेता और लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के नेता जिसका इंतजार हम लोग सुबह 10 बजे से कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की अदरली राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश सिंह यादव जी आप लोगों के बीच में भैया जी आ चुके हैं। आप समाजवादी पार्टी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद, 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 मतेश शंकर जिंदाबाद, 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 इंद्रजीत सराज जिंदाबाद, 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 पल्लवी पटेल जिंदाबाद। अब अभी चलो साथियों, जिसका सुबह से हम लोग बेकरारी से, आप सब लोग हट जाइए, बेकरारी से इंतजार कर रहे थे आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मुखिया, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आप लोगों के बीच में चहेता नेता आप लोगों के बीच में आ गए हैं। हम समाजवादी पार्टी जनपद कौशाम्बी और 251 विधानसभा की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों 251 विधानसभा के प्रभारी और एमएलसी आदरणीय मान सिंह यादव जी जो अपना समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिए हैं कि मैं नहीं बोलूंगा और अपना सारा समय अपने महबूब नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं। एक जरूरी सूचना, मोहम्मद आसिफ पूर्व विधायक हुसैनगंज, मोहम्मद आसिफ पूर्व विधायक हुसैनगंज जनपद फतेहपुर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथियों सुबह से जब हम इंतजार कर रहे थे आप सभी लोगों के बीच में हमारे महबूब नेता आदरणीय लोकप्रिय नेता आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी आप लोग बीच में आ गए हैं। आप लोग हाथ उठाकर एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। अखिलेश सिंह यादव जिंदाबाद, पल्लवी पटेल जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
मोहम्मद नीनू जी मुकुट पहनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मंजनपुर के पूर्व चेयरमैन कड़क के ब्लॉक प्रमुख अनु सिंह यादव जी, अनु सिंह यादव जी मुकुट पहनाकर नेताजी का स्वागत करेंगे। सम्मानित साथियों, सम्मानित साथियों, जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम लोगों के नेता युवा दिल सम्राट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अगुवा माननीय अखिलेश यादव जी और इस मंच पे मौजूद समाजवादी पार्टी के समस्त नेतागण, बोस सेक्टर के साथी, व्यापारी साथियों, नौजवान साथियों, बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा था, हमें आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। उससे पहले मैं समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरा की जो यहां से प्रत्याशी हैं उनको मैं बुलाऊं, उससे पहले मैं मंचा सिंह समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि सम्मानित साथियों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कई कार्यक्रम लगे हैं और आप जानते हैं कि उनका समय बहुत कीमती है, मैं मंच के सभी साथियों से, सभी नेताओं से, पूर्व प्रत्याशी गणों से, सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए समाजवादी पार्टी और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी बोल चुके हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं सिरातू से समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी, हम लोगों के नेता माननीय बहन पल्लवी पटेल जी आए और सिरातू की जनता जो आपको बहुत दिनों से देख रही, हाथों हाथ ले रही है और आप ऐसी जगह से चुनाव लड़ रही हैं, आप बेईमानों को हराने जा रही हैं, याद रखना साथियों, आजकल में तीन चार दिन अपना ईमान मत बेचना, आपने पांच साल बहुत बचती सही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, व्यापारियों का दमन हुआ है और ये हमारे तमाम जो शिक्षा मित्र के साथी हैं, पंचायत मित्र के साथी हैं, उनको लाठियों से मारा गया, लखनऊ में लोग धरना दे रहे थे उनकी भी बहुत बेइज्जती की गई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब हम सभी किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और लोहिया आवास देने का काम करेंगे, आईटी सेल में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। यहाँ पे तमाम पत्रकार साथी हैं, सुरक्षा के कर्मी हैं, मैं सभी को धन्यवाद देते हुए इस अपील के साथ अब आपके बीच में सिराथू से प्रत्याशी हमारी बहन माननीय पल्लवी पटेल जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। धन्यवाद। आज अपने घर सिराथू में मैं अपने बड़े भाई, हम सब का नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश के भावी सीएम, युवा यशस्वी सम्माननीय अखिलेश यादव जी का तहे दिल से आभार करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
मैंने कसम खाई है, लगातार लड़ रही हूं, चल रही हूं सामाजिक न्याय की इस विचारधारा को लेकर, दलितों शोषितों पिछड़ों के लिए, उनके हक अधिकार सम्मान के लिए। मुझे पता है और पहले से पता था कि चलूंगी तो रास्ते में लोग रोड़े अटकाने जरूर आएंगे, और देख लीजिए आपके सामने प्रमाण है, प्रत्यक्ष है इस बात का कि जिस दिन से हमारा नाम सिराथू विधानसभा में आया है, केशव जी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, कभी ये आ रहे हैं कभी वो आ रहे हैं, यहां तक स्थितियां खराब हैं भारतीय जनता पार्टी की कि हर जगह खदेड़ा हो रहा है, और अपने बीच में वो धोखेबाज, वो घोटालेबाज मध्य प्रदेश से मंत्रियों को बुला के बैठाया है, जो सिराथू की जनता के बीच में खुले हाथों से पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं केशव जी, ये लाल लाल करारे नोटों से कुछ नहीं होगा, ये जनता भटकने वाली नहीं है, ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। मैं कहने आई हूं कि भारतीय जनता पार्टी और केशव जी इतना डर खा के बैठे हैं कि कहीं ऐसा ना हो घबराहट में वो मैं किसी दिन मुझे आईएसआई का एजेंट, पाकिस्तान का नागरिक और या फिर आतंकवादी घोषित कर दें। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि केशव जी, अगर आपने पांच साल इन सड़कों के गड्ढों पर ध्यान दिया होता, अगर आपने 5 साल इस बात पे ध्यान दिया होता कि ये किसानों के खेत में ले लहाई फसल को छुट्टा सांड क्यों चर रहे हैं, अगर आपने ये ध्यान दिया होता कि नौजवान लखनऊ की धरती पर लाठियां क्यों खा रहे हैं, आपने किया क्या है? आपने किया ये है कि आपने पिछड़ों का वोट लेकर के 5 साल स्टूल पर बैठने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि अब कुछ नहीं होने वाला केशव जी, अब तो आपने जो सिराथू की जनता के साथ किया है, उस अपराध के लिए, उस शोषण के लिए ये जनता आपको दंड देने के लिए आगे निकल पड़ी है। ये जनता इस बार आपको सबक सिखा देगी। इन लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये चुनाव का मजाक बना के रख दिया है। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी, याद है ना ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव, जिसमें प्रत्याशी को लठिया लठिया के मारा है? याद है ना जिला पंचायती का चुनाव, जिसमें प्रत्याशियों को घर से उठवाने का काम कर दिया है? तो याद रखिएगा, अगर आपने जरा सा ध्यान दिया होता तो केशव मौर्य जी आज ये दिन नहीं आता, आज ये सिराथू की जनता अपना खाना पीना छोड़कर आज इस मंच के सामने आंदोलन नहीं कर रही होती। मैं कहने आई हूं आप लोगों से, इतना घबरा गए हैं कि बाहर से लोगों को बुला बुला के इस क्षेत्र में बैठाला है, तो आपके द्वारा चेतावनी दे रही हूं कि मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में मेहमान बन के आए हैं, तो मेहमान के दायरे में रहिएगा। अगर जरा सी इधर उधर किया और ऊंच नीच किया तो भूलिएगा नहीं, एक शेर डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून हूं मैं, एक बार में ठीक कर दूंगी। कहां थे आप केशव जी जब आपके भाई भतीजे साले
यहाँ पर लोगों से वसूली कर रहे थे। कहाँ थे आप जब यहाँ पर समाज का शोषण हो रहा था? कहाँ थे आप जब आप जमीनें हड़प रहे थे? तब आपके कान में जू नहीं रेंग रही थी, तो आज इस समाज के लोगों के कान में जू नहीं रेंगेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि वो पिछले 5 सालों में जो आपके भाई भतीजे और साले ने यहाँ पर आम जनता को परेशान किया है, व्यापारियों से वसूली की है, आम व्यापारियों को सड़क पे खींच खींच के मारा है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहने आई हूँ कि निर्णय कर लीजिए और आगे चलकर हमारा दामन थाम लीजिए, हमारे सहयोग में आगे आ जाइए, क्योंकि आपसे वादा कर रही हूँ कि आपकी नुमाइंदगी अगर मुझे मिली तो आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा, आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। और जिन खेत गलियानों को, जिन जमीन के टुकड़ों को इन्होंने हड़पने का काम किया है, उन पर इन्हीं के बुलडोजर चलवा के आप लोगों को वापस देने का काम करूंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, तो केशव जी बहुत गलत कर दिया आपने। आपने सत्ता के अहंकार में आकर के जनता जनार्दन को नाराज कर दिया, और इस बार जनता आपका घमंड तोड़ देगी और आपकी उस बड़ी बिल्डिंग को धराशायी करके जमीन पर पटक देगी। आप लोगों से ये अपील करने आई हूं कि 27 फरवरी को संविधान के माध्यम से मिली आपको उस ताकत, उस एक वोट की ताकत का इस्तेमाल मेरे चुनाव निशान साइकिल के आगे ईवीएम में बटन दबा कर दीजिएगा और मेरे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी को इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ की कुर्सी पर बैठाने का काम करिएगा। मैं जानती हूं और मैं भी बहुत व्याकुल हूं और आतुर हूं अपने बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द सुनने के लिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रजा लेती हूं, विदा लेती हूं, आप सभी का पुनः एक बार आभार, और मैं अपने बड़े भाई से ये निवेदन करती हूं कि आप आए और हम सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे नहीं पता था कि यहां के लोगों को स्टूल वाली बात यहां भी लोग जानते हैं। ये स्टूल वाली बात क्या है भाई? सुना है कि सिराथू में गाना बहुत चल रहा है, क्योंकि स्टूल वाली बात आई तो मुझे किसी ने बताया कि सिराथू में इधर एक गाना बहुत चल रहा है, तेरे जैसा ये। अरे भाई, जो गाना आप सुन रहे हो उसी को बताने जा रहा हूं। तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा यार आना, और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना।
सुना है कि स्टूल वाली बातें यहां तक पहुंच गई हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी के सहयोग और समर्थन में आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रमुख सचिव इंद्रजीत सरोज जी, यहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष दया शंकर जी, मंच पर उपस्थित मस्तेश चंद सोनकर जी, राम सजीवन निर्मल जी, आनंद मोहन पटेल जी, कैलाश चंद केशरवानी जी, पार्टी के हमारे महासचिव और बहुत ही पुराने नेता मौला मख जी, पूर्व अध्यक्ष माजिद अली साहब, असरफीला शास्त्री जी, भानु प्रताप यादव, रामकरण निर्मल समाजवादी पार्टी के लोहिया भानी के प्रदेश अध्यक्ष, बिम्बिस साहू जी, अनुज यादव, मान सिंह यादव एमएलसी जी, भैया लाल पाल जी, अतुल प्रधान जी, आशीष मौर्या जी, शिव मोहन चौधरी जी, और यहां पर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, अपना दल कमेरा के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, मजदूर, माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिरासू विधानसभा के उपस्थित आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना भी चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां मैदान मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, पीछे तक पूरा जनसैलाब उमड़ करके आया है। अगर हम बाईं तरफ देखें, मंच छोटा है जिसमें जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ मंच के पीछे और हमारे मंच के दाईं तरफ और पीछे आखिरी तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। ये बात तो सिरासू वाले जानते ही हैं और मन बना लिया है। आप लोगों ने राय बना ली कि नहीं बना ली? इसका मतलब यह है कि लखनऊ की जो घबराहट है वो ठीक घबराहट है, इसीलिए यहां के नेता काम नहीं आ रहे हैं, बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। और देख लेना आज का जन समर्थन जो जुटा है, इसके बाद वो रंग बदल करके, कपड़े बदल करके चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार समर्थन गठबंधन के पक्ष में है, और इस बार ऐसा पहली बार चुनाव देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है। अगर पहले चरण की जनता ने गठबंधन को जिताया तो दूसरे चरण की जनता भी मुकाबले में और आगे आ गई। पहले और दूसरे चरण का आपको पता होगा कि गठबंधन ने शतक लगा लिया है, और ये जब तीसरे चौथे का वोट पड़ेगा तो दूसरा शतक लग जाएगा। और जब तक
पांचवा छठा सातवां वोट डालेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे। इधर आपने इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेता लगातार भाषण दे रहे हैं और जनता में जाकर के न जाने क्या क्या सपने दिखा रहे हैं। इनके अगर छोटे नेता का भाषण सुनोगे तो वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाइयों, हमारे किसान भाई के परिवार के बेटों, बताओ आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और अगर आपने धान पैदा किया होगा, जब धान तैयार हो गया और जब आप बेचने के लिए गए होंगे तो बताओ धान में लूट हो गई कि नहीं हो गई? कहीं खरीद केंद्र बने थे जहां पर धान खरीदा गया हो? हमारे किसानों का धान नहीं खरीदा गया। अभी जो खाद लेने गए थे, बताओ स्टूल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, खाद कितनों को मिल गई? न डीएपी दिला पाए। और जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 पार हो गया। और देख लेना अगर कहीं ने मौका मिल गया तो आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जब खाद की बोरी लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, सुना होगा आपने। जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ गए हैं और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है दूसरे और तीसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं। और जब यहां के सिराथू के लोग वोट डालेंगे, बुंदेलखंड के लोग वोट डालेंगे, यही लोग शून्य रह जाएंगे, शून्य। ये गर्मी निकालने वालों को इस बार नौजवान जवाब देने जा रहे हैं। नौजवानों बताओ आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सेना में भर्ती निकली कि नहीं निकली? और हमारे ये बीएड टेट वाले जानते होंगे कितने साल से भटक रहे हो, शिक्षा मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, 69,000 वाले भी हमें दिखाई दे रहे हैं, समय समय पर लाठी खाए, संघर्ष किया, जेल गए, लेकिन बताओ 5 साल आपकी मदद हुई कि नहीं मदद हुई? 5 साल आपने खो दिए हैं, क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? 5 साल और तो नहीं खोदोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं,
हम लोग दुख तकलीफ जानते हैं कि परिवार का अगर एक बेटा खाली बैठा है तो उस परिवार पे क्या क्या गुजरता होगा। परिवार में अगर महंगाई हो जाती है तो हम जानते हैं परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाती है। और जिस समय लॉकडाउन लगा था ये सड़क पर आपने देखा होगा मजदूर भाई चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। लॉकडाउन के समय पर हमारे मजदूर भाई जो गुजरात से महाराष्ट्र से दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे, अपने घर परिवार को संग लेकर के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और जो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे उन्हें गोदी में लेकर के पहुंचे थे। आपको याद है कि नहीं याद है, यही सरकार थी। और जब कोरोना आया बीमारी आई उस समय जब बीमारी आई कोरोना की उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को किसान को दवाई की अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी। और आपके बगल में गंगा माँ बहती हैं, इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में गाजीपुर में और यूपी की लाशें बहकर करके जाकर के बिहार में बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और यहां के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सरातू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई, तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी। ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। और याद होगा आपको वो समय भूल गए कि एक सड़क का उद्घाटन करने कोई पहुंचा, सड़क बनके तैयार हो गई थी, और जब नारियल लेकर के उसका उद्घाटन होने को गया और जब नारियल सड़क पे फोड़ा गया, नारियल नहीं फूटा सड़क टूट गई। ये कैसे स्टूल मंत्री हैं, कौन से स्टूल पे बैठते हैं? और जो बाबा मुख्यमंत्री थे उनका व्यवहार देखा आपने नहीं देखा? मैंने सुना है कि स्टूल वाले मंत्री एक बार ये भूल गए कि वो स्टूल वाले मंत्री हैं, वो जाकर के मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठ गए जाकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां नहीं थे इसलिए स्टूल वाले मंत्री ने अपनी तख्ती भी लगा ली और वहां पर मीटिंग भी कर ली। मीटिंग में डीजीपी
और मुख्य सचिव भी बुला लिए, लेकिन जैसे ही बाबा मुख्यमंत्री को पता लगा कि कोई उनके कार्यालय में बैठ गया था आकर के, हमारे लखनऊ के पत्रकार साथी जानते होंगे, वो कुर्सी भी फेंक दी, वो जो तख्ती लगी थी तख्ती भी फेंक दी। याद है कि नहीं याद है? सुना है कि बहुत अन्याय और उत्पीड़न हुआ है यहां पर। सुना है कि सरकार का घमंड और सरकार के अहंकार में बहुतों के साथ अन्याय हुआ है। अगर जनता ने किसी को जिता दिया तो इन्होंने सरकार के माध्यम से उसका वोट छीन लिया। याद है जिला पंचायत का चुनाव, ब्लॉक मुखी का चुनाव, क्या जनता ने जिताया था भारतीय जनता पार्टी को? इन्होंने वोट की लूट की थी कि नहीं की थी? और पैसे से और पुलिस से धमकाया था कि नहीं धमकाया था? अब बाजी आपके हाथ में है। जिन्होंने वोट को लूटा, आपके ऊपर अन्याय उत्पीड़न किया, और जिन्होंने जनता के समर्थन की धज्जियां उड़ा दी, उनको इस चुनाव में सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये लगता है सिराथू की जनता तो एकदम मन बना के बैठी है। और हमारे मंजनपुर विधानसभा के लोग भी यहां पर हैं। ये तो लगता है इस बार पूरा का पूरा जिला समाजवादी होने जा रहा है। अभी तो वोट डालना भी समय है, ये जोश और उत्साह बचा के रखना, ये जोश और उत्साह बचा के रखना। कहने के तो वो सिराथू के बेटा बन रहे थे, जो स्टूल वाले मंत्री, कहने को तो कह रहे थे कि वो यहां के बेटा हैं। बताओ बेटे ने क्या हमारी मदद नौजवानों की है? आपका भविष्य चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया? आपके 5 साल बर्बाद कर दिए कि नहीं कर दिए? आपको डीजल पेट्रोल महंगा खरीदना पड़ रहा है कि नहीं खरीदना पड़ रहा? ना आपका ट्रैक्टर चल पा रहा है, ना मोटरसाइकिल चल पा रही है। सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सिलेंडर सस्ता था। ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। जब से माताओं बहनों ने सिलेंडर इनको दिखाए हैं, तब से ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, उनका याद है? याद है कि नहीं याद है? थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, थूक लगा करके पर्चा। और इस बार तो वो 12वीं और इंटर में घबरा गए। बताओ 12वीं में और इंटर में घबरा गए कि नहीं घबरा गए? अरे शुक्र है कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं, तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं कि बताओ 12वीं के बाद जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। शुक्र है इस बात का कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो बहुत बांटे, लखनऊ में स्टेडियम में भर करके बांट दिए सबको।
बताओ कौसाम्बी ये सिराथू और मंजनपुर के नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? सुना है उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा है। ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहा है कहीं वही तो नहीं बाबा मुख्यमंत्री वाला? हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। ये स्टूल वाले मंत्री भी नहीं चला पाते हैं। और हमारे लोगों ने वो तस्वीर तो देखी होगी अपने बाबा मुख्यमंत्री की, कि जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। क्या स्मार्टफोन चला लेते हैं कि नहीं चला पाते हैं? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? जो खुद पैदल हो गए हों वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? और इधर मैंने सुना है कि जहां भी जा रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने मुझे कहा है कि 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने भी नजर रख ली है अपने बाबा मुख्यमंत्री के घर पर। और इधर जब मैं देखता हूं कई बार शाम को, तो वहां से धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोका कि कहां जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वो जो काले धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको मिटाने। तो इसका मतलब बाबा मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो धुएं के धब्बे अभी मिटाने लगे, तो इसका मतलब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को पता होगा कि 11 तारीख की उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी गोरखपुर वाली, इसलिए ये जो स्टूल वाले मंत्री हैं, यहां के जो बेटा बन रहे थे, उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस जिले की बहू को उतारा है आपके बीच में। बताओ बहू का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब हम सरकार में थे तो कहीं काम में भी हमने इस जिले को पीछे नहीं छोड़ा होगा। हमसे किसी ने सड़क नहीं मांगी मुख्यालय जोड़ने के लिए। मैंने चौधरी वाली सड़क से इसका मुख्यालय जोड़ने का काम किया। अगर उससे पहले किसी ने काम किया होगा, इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, तो आपके दूसरे प्रत्याशी हैं जो इंद्रजीत सरोज जी हैं, इन्होंने इस जिले का विकास करने का काम किया होगा। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी हैं, ये अपने चुनाव चिन्ह से भी लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन हमने खुद आपसे कहा कि कम से कम इस विधानसभा में आप ये त्याग कर दीजिए कि आप अपने चुनाव चिन्ह पर मत लड़िए, आप साइकिल पर चुनाव चिन्ह लड़िए। तो ये साइकिल पर लड़ रही कि नहीं लड़ रही बताओ? तो किसकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने की? ये अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने का। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी
तो सीधा लखनऊ से जितना विकास करना चाहोगे उतना विकास की योजना आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको ये भरोसा है कि नहीं है? और मुझे वो समय याद है जिस समय हम पार्टी को बढ़ाना चाहते थे और मैं चाहता था कि और लोग भी पार्टी में जुड़ जाए, पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में अगर कोई आकर के समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया और समाजवादी परिवार को बढ़ाने का काम किया तो इंद्रजी सरोजी और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। और जिस दिन से आप आए उस दिन से याद कीजिए समाजवादी पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाने का काम किया। हमें अगर सुहेलदेव पार्टी को लाने का मौका मिला तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी लेके आ गए, जो आपकी प्रत्याशी है और यहां की बहू, उनकी माताजी भी आपके बगल में चुनाव लड़ रही हैं, आदरणीय राज माता जी वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी दल आपकी पार्टी के दल के साथ जुड़ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आ गए। बताओ स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए आपके साथ के नहीं आ गए? दारा सिंह चौहान आ गए कि नहीं आ गए? संजय चौहान की पार्टी आपके साथ आ गई कि नहीं आ गई? और जहां से शुरुआत हुई थी चुनाव, बताओ आरएलडी ने और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी ने कि नहीं कर दी? हम लोगों ने कोशिश करके सबको स्थान, सबको सम्मान देने की नीति अपना करके सबको साथ लाने का काम किया है। मैं जानता हूं कि यहां के जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के स्टूल मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जो स्टूल मंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, स्टूल मंत्री और मुख्यमंत्री में बनती नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? वो इसलिए नहीं बनती है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं इधर बुलडोजर चले और स्टूल मंत्री चाहते हैं यहां पर बुलडोजर चले। वो बुलडोजर वो वाला नहीं, तोड़ने वाला, सड़क बनाने वाला। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ठेका इनको दे दो, स्टूल मंत्री कहते हैं ठेका इनको दे दो। बताओ झगड़ा है कि नहीं है? एक सड़क उद्घाटन हुई थी याद कीजिए, जिसमें दिल्ली से कैंची आई थी, लखनऊ से फीता गया था, जिसमें हवाई जहाज सड़क पर उतरा था, वो समाजवादियों की देन थी। जो सड़क बनी थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादियों की देन थी। बताओ वहां पर ये स्टूल मंत्री पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे? क्योंकि ये अपना स्टूल ठीक कर रहे थे इसलिए सड़क के उद्घाटन में नहीं जा पाए। मैंने सुना है सरकार में रहकर के इन्होंने बड़ा रुतबा पैदा किया है, हम लोग तो वैसे ही बदनाम हो गए, लेकिन सुना ये है कि इनके परिवार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये गुब्बारा भी कह रहा है हां। बताओ उत्पीड़न हुआ है कि नहीं हुआ, अन्याय हुआ कि नहीं हुआ, झूठे मुकदमों में फंसाया गया नहीं फंसाया गया? और फिर वसूली इनके लोग क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने खुद अपना कैरियर वसूली से शुरू किया है। अरे बताओ, हम जाने ना जाने दूर वाले हैं हम, लेकिन घर के लोग तो जानते होंगे इनका कैरियर तो वसूली से ही शुरू हुआ था। बताओ कैरियर वसूली से शुरू हुआ था कि नहीं शुरू हुआ था? और काय की वसूली करते थे वो बताना पड़ेगा क्या?
ये जो बाबा मुख्यमंत्री ने गौशालाएं बनाई हैं, बताओ गाय माँ भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं उनका प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? उनका प्रिय जानवर कौन सा है बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने पर ये जो विभाग में लूट मची है, जहां जहां सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनने के 3 महीने में ही सड़क उखड़ गई है, उन सब की जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, आपने हमारा मंत्री जो यहां के बेटा बन के गए थे, इन्होंने लूट धोखा और परेशानी पैदा की कि नहीं की? इसलिए इस क्षेत्र की और जिले की बहू की मदद करने का काम करना। बोलो जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे ऐसा जोश ऐसा समर्थन कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मान लें कौशाम्बी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, ये भरोसा दिला रहे हो कि नहीं? इन झूठों को सबक सिखाओगे कि नहीं? जिन्होंने नौकरी छीनी उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने रोजगार छीना उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिन्होंने धोखे में गरीबों को राशन दिया है, मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी को जिताओ और 5 साल राशन पाओ, हम राशन देने का काम करेंगे। केवल राशन नहीं देंगे,
अपने गरीबों को पौष्टिक आहार कैसे मिले, पौष्टिक खाना कैसे मिले, हमारी माताएं बेटियां हैं बच्चे हैं पूरे परिवार को पौष्टिक खाना कैसे मिले। इसलिए राशन के साथ अगर हमें 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़ा दूध का पाउडर तो वो भी देंगे, घी देना पड़ा तो घी भी देंगे, और साथ में साथ अगर सरसों का तेल देना पड़ा तो अपने गरीबों को सरसों का तेल भी फ्री देने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और सरकार बनवाइए। और आज का दिन भी ऐसा है, अगर आप तारीख देखोगे तो बताओ 22 तारीख है कि नहीं है, और ये साल कौन सा चल रहा है, तो डबल 22 हो गए कि नहीं हो गए आपकी। इस बार तो डबल सेंचुरी चौथे चरण में लग जाएगी। अब आपको ऐतिहासिक समर्थन दिलाना है, ऐतिहासिक मतदान करके समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिता देना, यही निवेदन यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ चलो आप चलिए। आप नहीं जाओगे? है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का, वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का, हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो, इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में, वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का, स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश का।